कराची में टारगेट किलिंग का इफरीत फिर जोर पकड़ने लगा। 72 घंटों के दौरान पीपल्स पार्टी के दो रहनुमा कत्ल कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक कराची में 3 रोज के दौरान पीपल्स पार्टी के 2 मकामी अहदेदारों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। हफ्ते की रात को इत्तेहाद टाउन में पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा शौकत हमाद को भी गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। SSP केमाड़ी फैजान अली का कहना है कि आबिदाबाद में मकतूल शौकत हमाद घर के बाहर बैठा था, नामालूम मुल्जमान मोटरसाइकिल पर आए और उसे 3 गोलियां मारकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि मकतूल पीपल्स पार्टी का कारकुन था और UC 31 का नायब सदर भी था। इससे कबल 17 अगस्त को औरंगी टाउन के इलाके इकबाल मार्केट में मोटरसाइकिल सवार मुल्जमान की फायरिंग से अमजद हुसैन नामी शख्स जहां बहक हो गया था। पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए अमजद हुसैन कत्ल के मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जाने पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी जनरल वकार मेहदी और कराची डिवीजन के सदर सईद गनी ने अहदेदारों के कत्ल की शदीद मजम्मत की। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौमे आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौमे आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपना मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। 76वें में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।